नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में बोलचाल की भाषा, सामान्य भाषा और काव्य भाषा में क्या अंतर है, किस प्रकार सामान्य भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में परिवर्तित होती है और मध्यकालीन कवियों ने किस प्रकार उनमें भाषिक चेतना आई और उन्होंने लोक प्रचलित भाषाओं को साहित्य का माध्यम बनाया, इस विषय पर चर्चा की। और इसी संदर्भ में तुलसीदास के काव्य भाषा विषयक विवेक पर भी बात की थी। तुलसीदास ने जो रचनाएं लिखी वे अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की। तुलसीदास के समय में पूरा कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, क्योंकि मध्यकाल में ब्रज भाषा साहित्य की भाषा के रूप में समृद्धि को प्राप्त हो रही थी। सूरदास ने उस भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया, ठेठ भाषा से उसे साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान किया और सूरसागर की रचना की। अन्य अष्टछाप के कवि भी ब्रज भाषा में ही साहित्य रचना कर रहे थे, पर तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के लिए अवधी भाषा को अपनाया। तो अवधी भाषा को उन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों बनाया, उसके पीछे क्या कारण है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि तुलसीदास की मातृभाषा ही अवधी थी। अवध क्षेत्र के ही रहने, उनका अधिकांश समय अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में भी यद्यपि वे रहे अध्ययन करने के लिए, पर उसके पश्चात उनका समय अधिकतर अवध क्षेत्र में ही व्यतीत हुआ और उनकी बोलचाल की भाषा अवधी ही थी। और जिस नायक को अपनी रचना का आधार बना करके, जिस काव्य नायक को केंद्र में रखते हुए वे रामकथा करने जा रहे थे, वे राम भी अवध क्षेत्र के थे, अयोध्या के रघुवंश के थे। तो अवध क्षेत्र का काव्य नायक है तो कविता जो है अवध क्षेत्र की भाषा में अगर प्रस्तुत की जाए तो वे अधिक प्रभावशाली रहेगी। और एक और कारण था कि ब्रज भाषा में उस समय मुक्तक की तो रचना हो रही थी, उस सूरदास ने भी मुक्तक रूप में ही कृष्ण भक्ति के पद गाए, मीरा ने भी और अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी। उससे पूर्व हम संत साहित्य देखते हैं, कबीरदास और रविदास आदि, उन्होंने भी मुक्तक रूप में ब्रज भाषा को अपनाया। और ब्रज भाषा की प्रकृति ऐसी थी कि उसमें प्रबंधात्मकता उतनी सफल ना हो पाती, ऐसा तुलसीदास को लगा। और क्योंकि अवधी भाषा में प्रबंधात्मक रचना करने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी, इनसे पूर्व मुल्ला दाऊद ने चांदायन की रचना अवधी भाषा में की, कुतुबन ने मृगावती की रचना की, जायसी का पद्मावत श्रेष्ठ महाकाव्य अवधी में लिखा गया, मंजन ने मधुमालती की रचना अवधी भाषा में की। तो अवधी भाषा प्रबंधात्मक काव्य के लिए उन्हें अधिक उपयुक्त जान पड़ी, तो इसीलिए वे अवधी भाषा में ही रामचरितमानस की रचना करते। और फिर अवधी के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक बढ़ा कि उसी में उन्होंने जानकी मंगल की, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न आदि की रचना भी अवधी भाषा में ही की। तो इसलिए अवधी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के ये मुख्य कारण रहे। और अवधी भाषा को साहित्यिक परिष्कृत परिनिष्ठित भाषा बनाने का श्रेय मूलतः तुलसीदास को ही जाता है। यद्यपि अवधी भाषा में उनसे पूर्व कुतुबन, दाऊद, जायसी आदि प्रबंधात्मक रचनाएं कर चुके थे, परंतु उनकी भाषा ठेठ अवधी थी। उस ठेठ अवधी को, लोक प्रचलित बोली को एक साहित्यिक परिष्कृत परिनिष्ठित परिमार्जित भाषा बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को ही जाता है। वे भाषा का सर्वथा नए ढंग से संस्कार करते हैं और अवधी भाषा की सृजनात्मक संभावनाओं में
अपरिमित वृद्धि करते हैं। केवल वे भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं रह जाती है, अवधि के माध्यम से वे अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का, अपनी सृजनात्मकता का परिचय देते हुए भाषा की परिष्कृति की असीम संभावनाओं को बढ़ाते हैं। और उनकी भाषा की इसी विशेषता को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी और तुलसी दोनों की अवधि का अंतर बताते हुए कहते हैं कि जायसी की पहुंच अवधि में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए माधुर्य स्रोत तक ही थी, पर गोस्वामी जी की पहुंच दीर्घ संस्कृत कवि परंपरा द्वारा परिपक्व चाशनी के भांडागार तक भी पूरी पूरी थी। कि जैसी की भाषा में माधुर्य है, पद्मावत में वो पूरी एक मिठास मिलती है, परंतु वो मिठास ठेठ लोक भाषा के रूप में है, ठेठ अवधि के रूप में है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस लोक भाषा को, लोक बोली को, संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा उसका परिमार्जन किया और उसकी शब्द वृद्धि की, उसका शब्द भंडार बढ़ा, उस भाषा को संस्कृत निष्ठ बना दिया। अब हम काव्य भाषा के देखते हैं कि विविध उपकरण होते हैं, शब्द के स्तर पर, उसके पश्चात शब्द शक्तियों को के दृष्ट संदर्भ में, प्रतीकों के रूप में, बिंब के रूप में, मुहावरे लोकोक्तियों के रूप में, कवि जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अपनी भाषा का परिमार्जन करता है, अपने भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो शब्द योजना की दृष्टि से अगर हम तुलसीदास की अवधि भाषा के बारे, पहले हम बात अवधि भाषा में लिखी गई उनकी रचनाओं की भाषिक विशेषताओं की करेंगे, इसके पश्चात हम ब्रज भाषा में जो उन्होंने रचना की है तो ब्रज भाषा की जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। तो अवधि भाषा में तुलसीदास द्वारा जो शब्द योजना की गई उसकी बात हम पहले करते हैं। तुलसीदास ने तत्सम शब्दों को अवधि की प्रकृति के अनुरूप ढालने का एक सत प्रयास किया और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उनमें ये क्षमता भी थी कि वे संस्कृत शब्दों का अवधिकरण कर दिया उन्होंने, जैसे विहरणशील विहरणशील बना दिया, वलकल बलकल, पर्णशाला परणशाल, हंसगामिनी हंसगवनी, अमृत अमीय, ऐसे अनेकों शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द थे परंतु उनका अवधिकरण कर दिया है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये संस्कृत के शब्द प्रयोग हुए हैं। संस्कृत की दुरूहता, जटिलता, क्लिष्टता को दूर करते हुए वे अवधि की प्रकृति के अनुकूल शब्दों को ढालने की क्षमता तुलसीदास में हमें दिखाई देती है। तुलसीदास के पास अपरिमित शब्द भंडार है, उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। शास्त्रों का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया था, नाना पुराण निगमागम सम्मत क्वचित अन्यतोपि की बात करते हैं रामचरितमानस की रचना करते हुए, तो शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के अध्ययन के कारण उनका अपना शब्द भंडार समृद्ध था। उनके पास संस्कृत का और पाली प्राकृत का, अपभ्रंश का, बोलियों के अनेक शब्द थे। तो किस शब्द के लिए, किस अर्थ विशेष के लिए, किस प्रसंग में क्या शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सामर्थ्य भी तुलसीदास में भरपूर थी। एक ही अर्थ की विभिन्न छायाओं को अभिव्यक्त करने वाले पर्यायों का भी वे बड़ी कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं, रामचरितमानस का ही एक उदाहरण है, सीता स्वयंवर के समय का, सियही बिल्लो की तकेऊ धनु कैसे, चित्तव गुरुरु लघु व्यालही जैसे। अब यहां देखिए, देखना एक क्रिया है। अब इस देखना के अर्थ में तुलसीदास एक ही पंक्ति में तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तीन पर्यायों का प्रयोग करते हैं। पहले कहते हैं बिलोकी शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर तकेऊ धनु कैसे, ताकना,
देखिए किस तरह से आंचलिक देशज शब्द का लोक प्रचलित शब्द का प्रयोग करते हैं, और फिर तीसरा चितव शब्द का प्रयोग करते हैं। चितव गुरुर लघु ब्याले, जैसे चितव देखना, तो देखना क्रिया के लिए अलग अलग पर्यायों का प्रयोग करते हैं। और ये समर्थ कुशल कवि की ही विशेषता होती है कि वे किस अर्थ के संदर्भ में किस पर्याय का प्रयोग करें। एक शब्द के अनेक पर्याय कोश ग्रंथ में मिल जाते हैं, कोश में हमें मिलते हैं। एक शब्द के 50-50 पर्याय भी मिल जाते हैं, परंतु ये कवि की प्रतिभा, कवि का कौशल है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है। जैसे हम घड़ा ही देख लेते हैं, घड़े के अनेक पर्याय हैं, कुंभ भी है, कलश भी है, घट भी है, मटका भी है, तो कहाँ किस शब्द का प्रयोग होगा। तो कबीर कुंभ शब्द का प्रयोग करते हैं, कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, वहाँ वो कलश शब्द का प्रयोग नहीं करते। मंदिर में होगा तो कलश शब्द का प्रयोग, तो कहाँ किस संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग, किस पर्याय का प्रयोग उचित रहेगा, ये कवि की शब्द सामर्थ्य पर निर्भर करता है, कवि की प्रतिभा पर निर्भर करता है। तो तुलसीदास के अनेक मानस में, अन्य रचनाओं में उदाहरण मिलेंगे जहाँ एक ही अर्थ की विभिन्न छायाओं को अभिव्यक्त करने वाले पर्यायों का प्रयोग किया गया है। अवधि के विविध रूप हैं और उन सभी रूपों का प्रयोग तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। संस्कृत प्रभावित अवधि का, प्राकृत अपभ्रंश प्रभावित अवधि का, लोक बोलियों में जो से प्रभावित जो अवधि रही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, तो इनके शब्द भी अवधि में प्रयोग किए गए हैं। मानस में हम देखें, अन्य रचनाओं में देखें, तो उनमें भी भोजपुरी के, छत्तीसगढ़ी के, कन्नौजी, बुंदेलखंडी के बड़े शब्द मिलते हैं। तो इस तरह से लोक बोलियों से प्रभावित अवधि का भी प्रयोग तुलसीदास करते हैं। ब्रज प्रभावित अवधि, क्योंकि उस समय अवधि और ब्रज समानांतर रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही थी, और तुलसीदास का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था, संस्कृत पर भी उनका उतना ही अधिकार था, तो वे ब्रज प्रभावित अवधि का भी प्रयोग करते हैं। अरबी फारसी प्रभावित अवधि, ये भी उनके साहित्य में दिखाई देती है, क्योंकि उस समय शासन वर्ग की भाषा अवधि फारसी थी, राजभाषा अवधि अरबी फारसी थी, तो दरबार, साह, गुलाम, राम, हलक, खलक, ऐसे शब्दों का प्रयोग तुलसीदास बहुतायत में करते हैं, परंतु कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अवधि भाषा का उसमें ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, अपितु ये शब्द अवधि भाषा की प्रकृति की जीवंतता को, उसकी उदारता को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे संस्कृत निष्ठ अवधि, तुलसीदास स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया था, हम मानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उनके द्वारा किया गया स्तुति गान संस्कृत भाषा में देखते हैं, तो उन्होंने संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग भी किया। किस रूप में, उच्च वर्गीय जो पात्र रहे, जो ऋषि मुनि रहे, राजाओं के संवादों में, स्तुति के छंदों में संस्कृत मिश्रित अवधि का प्रयोग किया है। प्रारंभ के छंद तो पूर्णतया संस्कृत में है, परंतु उसके पश्चात जैसे हम बालकांड में ही देखते हैं, गुरु वंदना, सत असंत वंदना, खल वंदना जहाँ कर रहे हैं, जहाँ वे अपने कविता के प्रयोजन की बात कर रहे हैं, वहाँ संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग दिखाई देता है। और अवधि, संस्कृत मिश्रित अवधि के अनेक शब्दों का अवधि के अनुरूप, अवधि की प्रकृति के अनुरूप उन्होंने ढाल दिया है, जैसे सुर नायक, सिंधु सुता, प्रिय कंता, कृषानु, वृंद, मुकुल, भृंग, ज्ञान निधान, खल वृंद, अव्यक्त, गजवदन, अवधेश आदि, ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे उन्होंने अवधि में ग्रहण कर लिए हैं, परंतु कहीं पर भी उससे भाषा में जटिलता या दुरूहता या क्लिष्टता नहीं दिखाई देती है। और इसी तरह से तुलसीदास ने अपने काव्यों में जो अवधि का प्रयोग किया है वो एकांगी न होकर के बहुस्पर्शी है।
उसमें प्राकृत के, अपभ्रंश के, ब्रज के, खड़ी बोली के, संज्ञा शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का, विशेषणों का, क्रियापदों का प्रयोग किया है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग, जैसे अभी हमने बात की, साहिब, साह, दरबार, मिस्कीन, गुलाम, गरीब, दीन, खलक आदि शब्दों का प्रयोग किया है। भोजपुरी के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से इनकी अवधि एकांगी न होकर के बहुस्पर्शी है। कहीं उनमें लोक भाषाओं की, समकालीन लोक भाषाओं की मिठास है, तो कहीं संस्कृत का अवधिकरण है, कहीं अरबी फारसी की उसमें गंध मिलती है। तो अनेक भाषाओं का समन्वय इनकी भाषाओं में दिखाई देता है, क्योंकि तुलसीदास मूलतः समन्वयवादी कवि रहे, और वे समन्वय विभिन्न स्तरों पर, वर्ण्य विषय के स्तर पर, भाव के स्तर पर, भाषा के स्तर पर भी दिखाई देता है। और अवधी भाषा जिसका प्रयोग वे मानस में करते हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि रचनाओं में करते हैं, तो अवधी भाषा की उस समय एक व्याकरणिक व्यवस्था भी बनी हुई थी, उसकी अपनी एक व्याकरणिक प्रकृति है, और तुलसीदास उस प्रकृति को भी अपनाते हैं। और तो तुलसीदास की रचना को केंद्र में रख करके ही आगे चल करके अवधी भाषा के व्याकरण की रचना हुई। इनका वाक्य संगठन इतना सुगठित है, इतना व्यवस्थित है, और संज्ञा शब्दों का जो प्रयोग किया है, हम बात करते हैं उनकी अवधी भाषा की जो व्याकरणिक व्यवस्था है, अब हम उसकी बात करते हैं। जो संज्ञा शब्द है उनको उकारांत बनाने की प्रवृत्ति हमें तुलसीदास में दिखाई देते हैं, जैसे माता का मातु, पिता का पितु, इस तरह से उकारांत बनाने की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है उनकी अवधि भाषा में। और जो सर्वनाम प्रयोग किए उन्होंने, अन्य पुरुष बोधक सर्वनाम, को, जो, सो, तो आदि का प्रयोग किया है, ये सर्वनाम, ये मानक अवधि में भी और लोक प्रचलित लोक भाषा की अवधि में भी दोनों से संबंध रखता है। तो इन सभी सर्वनामों को तुलसीदास ने अपनी अवधि की रचनाओं में अपनाया। क्रिया रूपों की हम बात करें तो उन्होंने तिगंत क्रिया रूपों को भी अपनाया है और कृदंती क्रिया रूपों का भी प्रयोग किया है। दोनों ही क्रिया रूप, जो संस्कृत में तिगंत और कृदंत की परंपरा है, उसका रूप उन्होंने अवधि भाषा में भी क्रिया रूपों में अपनाया है। वर्तमान काल की क्रियाएं हम देखें तो जात, जाति, जावत, जावती, जाई, जाई, जावे, जाव आदि रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि अवधि की प्रकृति अनुनासिकता की प्रकृति है। वहाँ स्वर जो है अधिकांशतः अनुनासिक प्रयोग होते हैं, तो जाई का भी प्रयोग करते हैं, जाई का भी प्रयोग करते हैं, जावे का भी प्रयोग करते हैं, जाव का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही भूतकाल की क्रियाओं में कीन, कीनी, दीन, कहेउ, भयउ, कीनेउ, कीनेसी आदि का प्रयोग करते हैं। और भविष्यत काल क्रियाओं में मिली ही, मिली हो, जई हे, करब, करबी आदि, तो इन सभी क्रिया रूपों का प्रयोग तुलसीदास अपनी भाषा में करते हैं। और प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, और बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उन्होंने नह और निह, इन दो प्रत्ययों का प्रयोग विशेष रूप से किया है। जैसे बालक एक वचन शब्द है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए बालकन, बालकनी, ऐसे कमल एक वचन है तो कमलन, कमलनी, तो इस तरह से नह और निह, इन दो बहुवचन बोधक प्रत्ययों का प्रयोग तुलसीदास अपनी रचनाओं में अधिक करते हैं। परसर्गों की बात करें तो अवधि भाषा में जो परसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, उन परसर्गों में से तुलसीदास ने जिन परसर्गों को अपनाया, अब हम उनकी बात करते हैं। अवधि भाषा में कर्ता कारक के लिए कोई परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, संज्ञा शब्द सीधे ही लिया जाता है, पर कर्म कारक के लिए कह और कह, ये दो परसर्गों का प्रयोग तुलसीदास ने किया। इसी तरह से करण और अपादान दोनों कारकों के लिए
वे एक समान ही परसर्गों का प्रयोग करते हैं, सह सह, सई सई, सै सै, तो अनुनासिक रूप में भी और मौखिक रूप में भी दोनों ही प्रकार के परसर्गों का प्रयोग हमें तुलसीदास की भाषा में मिलता है। ऐसे ही संप्रदान कारक के लिए कह कह, लिह लिए, और संबंध कारक के लिए कर केर केरी, कई कई, और अधिकरण कारक के लिए मज महे मह माही पई पई, तो ये सारे परसर्गों का प्रयोग भी तुलसीदास करते हैं। परंतु भाषा में एक जीवंतता, एक उदारता, एक लचीलापन, एक लोच, एक मिठास सदैव निरंतर बनी रही है। ऐसे ही अवधि भाषा में नाटक की कोई परंपरा नहीं रही है। संस्कृत में नाटक लिखे गए, पर उसके पश्चात हम देखते हैं कि अवधि भाषा में कविता तो हुई है पर नाटक नहीं लिखे गए। पर तुलसीदास ने कविता में ही नाटकीय संभावनाओं को ला दिया। कविता को नाटकीय संभावनाओं से युक्त करना तुलसीदास की मौलिक सृजन क्षमता का परिचायक है। वे रामचरितमानस में अनेक संवादों की योजना करते हैं बिना पात्रों के नाम लिए। दशरथ के कई संवाद, मंथरा के कई संवाद देखते हैं हम, सीता स्वयंवर के समय के संवाद, बाद में अशोक वाटिका में सुंदरकांड में सीता और हनुमान का संवाद, लंका के दरबार में हनुमान और रावण का संवाद, तो अनेक संवाद है। तो वो सभी संवाद कविता के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसका सुंदर निदर्शन हमें रामचरितमानस में दिखाई देता है। इसी तरह से तुलसीदास प्रसंग के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं, अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, और उनकी इसी विशेषता को अभिलक्षित करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी है कि कोमल रस है, श्रृंगार रस है तो कोमलकांत पदावली होगी, वीर रस, भयानक रस या रौद्र रस है तो कठोर पदों की योजना होगी, ये तो एक काव्य रूढ़ी है ही। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली, और इसके लिए वे उदाहरण भी बताते हैं कि घरेलू प्रसंग समझकर कैकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष रूप से चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। जब कैकई और मंथरा का संवाद चलता है तो वहां मंथरा को कैकई गालियां भी देती है, उसे उसकी भर्त्सना भी करती है, तो वहां संवाद में अवधि की ठेठ बोली दिखाई देती है, वहां परिनिष्ठित अवधि संस्कृत मिश्रित अवधि नहीं दिखाई देती है। और इस तरह से तुलसीदास ने अवधि भाषा की प्रकृति को केंद्र में रखते हुए संस्कृत मिश्रित अवधि का भी प्रयोग किया, लोक बोलियों से शब्द लिख करके अवधि के शब्द भंडार में भी वृद्धि की, उसमें विदेशी भाषा के शब्दों, अरबी फारसी के शब्दों का संयोग भी किया, और प्रसंग के अनुरूप, रस के अनुरूप भाषा की परिष्कृति पर भी केंद्र रखा। तो इस तरह से अवधि भाषा के माध्यम से उन्होंने साहित्यिक भाषा को, एक लोक प्रचलित भाषा को साहित्यिक भाषा का स्तर प्रदान किया। अब हम मित्रों बात करते हैं उनकी काव्य भाषा ब्रज को लेकर के। जैसे उनका अवधि पर पूर्ण अधिकार था, उसी तरह से तुलसीदास का ब्रज भाषा पर भी पूर्ण अधिकार था, और सूरदास ब्रज भाषा में कृष्ण काव्य की रचना कर ही रहे थे, तो ब्रज का जो माधुर्य है, ब्रज की जो कोमलता है, वह तुलसीदास को भी प्रभावित करती है। तो राम काव्य को वे अवधि भाषा में यद्यपि प्रस्तुत कर रहे हैं, पर ब्रज के मुंह का को वे त्याग नहीं पाए और उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना की। तो उनकी ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं उसकी विशेषता बताते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इन दोनों भाषाओं को संस्कृत की परिपक्व चाशनी का पाग देकर
उन्होंने उन्हें अद्भुत मिठास प्रदान की है कि चाहे वो लोक प्रचलित लोक बोलियों को आधार बनाया है, परंतु उसमें चाशनी किसकी डाल दी है? संस्कृत की। उनकी रचनाओं में इन दोनों भाषाओं पर इतना अधिकार दिखाई देता है जितना स्वयं सूरदास का ब्रजभाषा पर और जायसी का अवधी पर था ना था। सूरदास ब्रजभाषा के ही अधिकारी रहे, जायसी अवधी भाषा के ही केवल अधिकारी रहे, परंतु तुलसीदास दोनों भाषाओं के अधिकारी हैं और दोनों भाषाओं पर इतना अधिकार दिखाई देता है कि वे इन दोनों से भी ऊपर चले जाते हैं। उनके समक्ष सूरदास की ब्रज और जायसी की अवधि भी फीकी पड़ जाती है। और इसी विशेषता को केंद्र में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनकी भाषिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रज भाषा को जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। तुलसीदास ने कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की है, तो ब्रज भाषा का जो माधुर्य है वो इन रचनाओं में अपने संस्कृत रूप में, सुसंस्कृत रूप में दिखाई देता है। ठेठ अरबी की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नेचू में भी हम पाते हैं। उनमें भी यही मिठास हमें दिखाई, केवल मानस की ही बात नहीं कर रहे, तुलसीदास की अन्य रचनाएं भी उतनी ही भाषिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनमें अवधि की मिठास, ब्रज की मिठास वैसी ही दिखाई देती है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा जिस तरह से अवधि भाषा में संस्कृत के शब्दों का अवधिकरण कर दिया था, उसी तरह से ब्रज भाषा में भी वे तत्सम शब्दों को ब्रज की सांचे में ढालने में अपनी निपुणता दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है क्षुधा, उसको वो ब्रजीकरण कर देते हैं क्षुधा, सूक्ष्म, सूक्ष्म, पूर्ण, पूरन, प्रमाण, परमान, कीर्ति, कीरति। तो इस तरह से अनेक शब्द हैं जिनको उन्होंने ब्रज की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया है। और तुलसीदास रस के अनुकूल शब्द योजना करने में निपुण रहे। अगर वे श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं, शांत रस का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप शब्द अपनाते हैं, कोमल कांत शब्दों को प्रयोग करते हैं, अल्प प्राण शब्दों को लेते हैं, द्वित्व शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम श्रृंगार रस में उनका एक उदाहरण देखते हैं, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाई। तो कितनी कोमलता, माधुर्य है, एक लयात्मकता है। और वहीं जब वीर रस का, भयानक रस का वर्णन करते हैं, तो कठोर वर्णों का, महाप्राण ध्वनियों का, द्वित्व वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धार जातु धान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज किंज रारी ज्यो गरजी घट, जहां तहां पट के लंगूर फेरी फेरी के। ध्वन्यात्मकता वैसी ही बनी रहती है, चित्रात्मकता वही रही, परंतु शब्दों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग वे उसी रूप में करते हैं। तो भाषा में ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता का गुण है। और तुलसीदास ने भाषा में जीवंतता लाने के लिए, उसकी अर्थवत्ता बढ़ाने के लिए, प्राणवत्ता बढ़ाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। और इसके साथ ही काव्य रचनाओं में ब्रज और अवधि की विविध काव्य पद्धतियों को, काव्य शैलियों को अपनाया। उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तक काव्य भी लिखे। रामचरितमानस, रामलला नेचू के लिए दोहा चौपाई पद्धति अपनाते हैं। तो वही गंग को केंद्र देखते हुए कवित सवैया पद्धति को अपनाते हैं कवितावली में। और जो गीति की पद्धति, पद रचना की पद्धति हमें संत काव्य में, तुलसीदास, उस कबीर आदि में दिखाई देती है, उस गीति शैली में वे विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली की रचना करते हैं। दोहा शैली में दोहावली की रचना करते हैं। रहीम के बरवे से प्रभावित होकर बरवे शैली भी अपनाते हैं, तो बरवे रामायण की रचना करते हैं। तो इस प्रकार तुलसीदास भाव पक्ष में, भाव सौंदर्य में जितने निपुण हैं,
भाषिक सौंदर्य भी उनका उतना ही उत्कृष्ट है। तो उनके भाषिक विधान पर, उनके शिल्प विधान पर आज हमने चर्चा की। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।